मेरा बिजली पानी और इन चीजों का इशू नहीं है, मेरा जो मेन इशू है वो है रोजगार का। केजरीवाल सरकार अगर किसी गरीब की मदद कर रही है, किसी को फ्री में दे रही है, तो उसमें क्या दिक्कत है मोदी सरकार को? देश के प्रधानमंत्री देश के सौदागर बने हुए हैं, प्रधानमंत्री इतना भाषण देने में मास्टर है, आज काम करने में सबसे पीछे है। हम नॉर्मल आदमी है, हम किसी पार्टी का आदमी नहीं है, धोबी की तरह पीट के सीधा करेंगे। नमस्कार, मैं शिखा सिंह अभी दिल्ली के रामलीला मैदान में मौजूद हूँ। आप सभी का जनित आवाज में स्वागत है। आपको जैसा कि मालूम होगा कि 11 जून को रामलीला मैदान में आम आदमी पार्टी का जो है एक रैली था, एक महासभा उन्होंने संबोधित करने के लिए यहाँ पे लगाया था। आपको दिखाएंगे यहाँ पे लाखों की संख्या में कुर्सी रखी हुई है। हालांकि अभी जो है रैली जो सभा है ख़त्म हो चुकी है, लाखों की संख्या में लोगों के हुजूम यहाँ पे उभरे हुए थे, जन सैलाब उमड़ा हुआ था। लेकिन हम कुछ लोगों से जो आम आदमी का जो कंसेप्ट है, तो हम आम आदमी से बात करेंगे कि जो केजरीवाल कह रही है क्या ग्राउंड पे वो फॉलो हो रहा है। तो केजरीवाल आपको 200 यूनिट फ्री और पानी मुफ्त में सारे चीज मिल रहा है? मैम, मेरा ये इशू नहीं है, मेरा बिजली पानी और इन चीजों का इशू नहीं है, मेरा जो मेन इशू है वो है रोजगार का। मेरा जो रोजगार है, रोजगार का इशू है, इसलिए हम लोग दर दर भटक रहे हैं। अगर हमारे पास में पैसा हो जाता है, हमारे अच्छी पैसिव इनकम हो जाती है, तो हम क्यों फ्री में लेंगे? और केजरीवाल सरकार अगर किसी गरीब की मदद कर रही है, किसी को फ्री में दे रही है, तो उसमें क्या दिक्कत है? मोदी सरकार को क्या दिक्कत है? आप कहाँ से आए? हम तो बिहार से हैं। क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे, देश के प्रधानमंत्री देश के सौदागर बने हुए हैं। हाँ जी, और सुनिए, बोले थे शुरू में अगर 15 लाख रुपया पर से खाता में जाएगा, भगवान नसीहत दिए उसको 15 रुपया भी अगर भेज देता तो भगवान सुबुद्धि उनको मिल जाता। लेकिन अफसोस इस बात का है कि देश का प्रधानमंत्री इतना भाषण देने में मास्टर है, आज काम करने में सबसे पीछे है। एक दूसरा बात यह है कि देश का प्रधानमंत्री बोले कि हम महंगाई पेट्रोल 60 रुपये लीटर था जिस समय में कांग्रेस के शासन में, तब पूरा देश खलबली मचा हुआ था, 60 रुपये लीटर हो गया। सुनिए, आज GST उसको लगा करके 100 रुपये लीटर बेचवा रहा है, उसके विरोध में कोई भी नेता आवाज उठाता है? कांग्रेस ने भेजा जी? हम नॉर्मल आदमी है, हम किसी पार्टी का आदमी नहीं है। बैठ रखे उसे पीटने के लिए, धोबी के तरह पीट करके साफ करेंगे। ये डरते यही है, धोबी के तरह पीट के सीधा करेंगे। किसको पीटेंगे? देश के सौदागर को। देश के सौदागर को जो भी सौदा करेगा, जो भी करेगा।